हाय एवरीवन वेलकम टू आर चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडिया की भी क्लासेस यहाँ पर लेकर आऊँगी ओके okay? अगर हम अपने एग्ज़ाम की बात करें तो ई के प्रस्पेक्टिव से आपके एग्जाम में मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट आएगा वो मैं यहां पर आपका कवर कराऊंगी जो कि स्टार्ट ही होगा आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स है यानी कि 1857 की क्रांति से 1857 का जो रिवोल्ट है वहां से जो एक्चुअल कहानी है आप लोगों को जो पढ़ना है वो आपको 1857 से पढ़ना है 1947 तक ठीक है ना तो इसमें आपकी इनशियर्ड इंडियन हिस्ट्री आ रही है ना ही मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आ रही है ओके okay, और मॉडर्न इंडिया में भी जितने काम की चीज़ है जो हमारे एग्जाम में आएगी जो हमें कवर करनी है अपने ई पी एफ ओ ए ओ ई ओ ए पी एफ सी के एग्जाम के लिए उतना ही पार्ट हम लोग यहाँ पर करेंगे कवर ओके okay, तो आपकी आज की क्लास होगी फर्स्ट क्लास जिसमें हम लोग यहाँ पर रिवोल्ट ऑफ 1857 को करेंगे कवर ओके okay. अब जितने भी स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है आदिति और मैं आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर चैनल पर सोशल सिक्योरिटी की भी क्लासेस लेकर आती हूँ और पैरेलली मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी क्लासेस लेकर आऊँगी ओके okay. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को देखिए अठारह की क्रांति यानी कि रिवोल्ट ऑफ एटीन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा देखिए इसकी बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको कहानी समझाऊँ जब कहते हैं ना कि जब लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनको जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं तो अंग्रेज़ हमारे देश में 1600 के करीब आए और उसके बाद अगर देखा जाए 200 साल हम हमारे ऊपर राज्य किया ठीक है अगर हम अठारह के हिसाब से देखें और इन 200 सालों में इन लोगों ने जो हमारी हालत कर दी वो बहुत ही खराब थी इसीलिए लिए यहाँ पर जो लोग थे वो एगिटेट हो के गुस्से में आके परेशान हो के ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर लोगों ने क्रांति छेड़ दी लोगों ने लड़ाई छेड़ दी कि भाई जो होगा वो देखा जाएगा अब यहाँ पर हम लोग और नहीं सह पाएंगे अगर हम अठारह की क्रांति की बात करें देखिए शुरुआत बहुत अच्छी थी पर अनसक्सेसफुल रही सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि इस क्रांति में जो लोग थे ना वो यहाँ पर अपने हित के लिए लड़ रहे थे अपने लिए लड़ रहे थे ना कि अपने देश के लिए लड़ रहे थे नेशनलिज़्म की भावना यहाँ पर नहीं थी अगर नेशनलिज्म की भावना होती कि भाई हम यहाँ पर जिस देश में रह रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं तो यहाँ पर कह सकते थे हम कि चीज़ें बहुत बेटर होती है ना पर यहाँ पर सब लड़ रहे थे अपने हित के लिए किसी की जमीन चली गई किसी का राज्य चला गया किसी की कोई परेशानी है और जो गरीब इंसान था वो तो यहाँ पर हर तरफ से मारा ही जा रहा था ठीक है चलिए इस पूरी क्रांति को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कवर करेंगे इसको अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछना ओके चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अब देखिए जो पहला एक्सप्रेशन था ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये पहला एक्सप्रेशन हमें देखने को मिला पहली ऐसी लड़ाई मतलब लोगों के मन में हुई तो बहुत सारी लड़ाई थी छोटी मोटी जगह जगह होती रहती थी ठीक है बट ये जो थी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आई है ये बहुत हाईलाइट में आई क्योंकि जब इतने सारे लोग परेशान हो गए थे तो बस अब क्या था ना कि उनका गुस्सा जो था वो यहाँ पे फूट रहा था सो so, वो यहाँ पर एक रिवोल्ट की तरह लोगों के सामने आया अच्छा असल में इस रिवॉल्ट को हम सिपॉइज म्यूटनी कहते हैं क्या बोलते हैं जो सबसे फेमस नाम है इसका वो क्या है सिपॉइज म्यूटनी मतलब सैनिकों का विद्रोह कई सारे नाम हैं इस लड़ाई के कई सारे नाम हैं सिपोई म्यूटनी यहाँ पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा दिया गया इंडियन म्यूटनी और द ग्रेट रेबेलियन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया रिवोल्ट ऑफ 1857, द इंडियन इंस्टूरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ़ इंडियन इंडिपेंडेंस ये यह यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये दिए गए तो ये काफ़ी मतलब का, इस लड़ाई को कई सारे नाम दिए गए पर जो फेमस नाम है वो है आपका सिपॉइज म्यूटनी बेसिकली हम जब इसको आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह भी समझ में आएगा कि मैं इसको सिपॉइज म्यूटनी क्यों कह रही मतलब सैनिकों का विद्रोह हम लोग यहाँ पर क्यों कह रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए कोई भी लड़ाई होती है उसकी कोई ना कोई कॉज होती है अगर आप घर में भी किसी ना किसी से लड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ऐसे बेफालतू में तो कोई लड़ता नहीं है तो चलो सबसे पहली वजह यहाँ पर हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉजेज पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे देखिए अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे तो उनका एक बड़ा ही क्लियर फंडा था कि भाई हम लोग यहाँ पर करेंगे एक्सपैंड और एक्सपेंशन ही इनकी थ्योरी थी कि भाई हम एक्सपैंड करते करते एक खुद को फैलाते जाएंगे और एक ना एक दिन यहाँ पर अच्छा खासा राज्यपाठ बना लेंगे तो ब्रिटिशर्स की जो ये यह पॉलिसी थी एक्सपेंशन की ये यहाँ पर कई सारी पॉलिसीज लेकर आई जो कि इस रिवोल्ट का बहुत बड़ा कारण रही सबसे पहले है आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ठीक है और दूसरी है आपकी डायरेक्ट एनेक्सेशन अब पॉलिटिकल कॉजेज में अगर मैं बात करूं आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगर मैं बात करूं तो ये है आपका बड़ा ही ये बहुत ही मतलब ये लोग अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत दिमाग लगा लगा के पॉलिसीज लेकर आए थे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी आपके किसके द्वारा आई होगी ये लॉर्ड डल लेकर आए थे ठीक है अब इनके बेसिस से यहाँ पर क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई राजा है और इस राजा का अपना कोई वारिस यानी कि अपना कोई पुत्र या अपना कोई लड़का नहीं है और उसने कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो यहां पर वो अडॉप्टेड बच्चे को ये पूरा राज्य पाठ नहीं मिलेगा ठीक है अगर ये अडॉप्टेड बच्चा है तो उसको कोई हक नहीं है यहाँ पर इस राज्य गद्दी पर बैठने का ठीक है और अगर बैठा भी दोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसको जो आ, अगर देखा जाए जो सैलरी है वो मिलती रहेगी अंग्रेजों से बाकी आपका जो राज्य पाठ है वो आ जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में ठीक है इट वॉज़ वेरी क्लियर और ये जो कारण रहा था ये कारण था आपकी झांसी की जो रानी है उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड बेटा था उनका ठीक है जिसके लिए वो यहाँ पर लड़ रही थी ऑलराइट right. और कारण यही था तो अब इन लोगों को क्या करना था इनको अपने आप को एक्सपेंड करना था कैसे ना कैसे किसी ना किसी जगह पर राज तो करेंगे एक आपका यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस है सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि थी अब सब्सिडरी अलायंस में अगर आप देखोगे सबसे पहले हुआ था निजाम के साथ जो निजाम थे हैदराबाद के उनके साथ सबसे पहले हुआ था आपका ये सब्सिडरी अलायंस कब हुआ था 1798 में 1798 में हुआ था इसमें क्या था कि ये लोग अब सहायक संधि से आप लोग समझ गए होंगे कि सहायता करेंगे सहायता कैसे कि भाई आप लोग हमें रहने के लिए जगह दो अपने राज्य में ठीक है उसके बाद हमारी जो आर्मी वगैरह रहेगी उसका भी आप लोगों को खर्चा पानी सारी चीजें उठानी होंगी पर जब भी आपकी किसी से लड़ाई होगी तो हम यहाँ पर आपकी सहायता करेंगे अब देखिए वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे हमें किसी के घर में घुसना होता है और उसके बाद घुस के उसको निकालना होता है तो वही चीज़ यहाँ पर ये लोग कर रहे थे डॉक्टर ऑफ लैब्स भी यहाँ पर एक यही तरीका था जिससे कि ये लोग धीरे धीरे करके सब जगह को हड़पना चाहते थे अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर्स एंड चीफ्स वर डिस दस अराउजिंग फियर इन द माइंड ऑफ अदर रूलिंग फैमिलीज़ हु अप्रिहेंडेड अ सिमिलर फेट वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई जो हैं आपकी सॉरी रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि उनका अडोप्टेड बच्चा था गोद लिया हुआ बच्चा था उसको यहाँ पर इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई परमिशन ही नहीं है इट इज़ नॉट परमिटेड कि यहाँ पर आप गोद लिए हुए बच्चे को यहाँ पर बिठाओगी अपनी झांसी की गद्दी पर आप नहीं बिठा सकते आप यहाँ पर नहीं बिठा सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी क्योंकि यहाँ पर सरकार किसकी थी अंग्रेजों की तो अंग्रेज उसी हिसाब से वर्क करेंगे है ना तो उन्होंने हिसाब से बोल दिया कि अगर आपका सगा बच्चा होता तो आप बिठा लेते आप बिल्कुल अपना राज्य पाठ संभालते बट अडोप्टेड चाइल्ड विल नॉट गेट दिस पर्टिकुलर राइट सो शी वॉज फाइटिंग फॉर हर सन ओके अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से यहाँ पर आपके जो सबसे पहले आने वाले जो राज्य थे वो था आपका जयपुर, सांबलपुर 1849 में ये आ ही चुके थे इनके अंडर में अंग्रेज़ों के अंडर में फिर आपका बागत है 1850 में आया फिर आपका उदयपुर आया अठारह में ठीक है 1852 में झांसी आया 1854 में और नागपुर आया 1854 में ओके तो धीरे धीरे इन जगहों को इन लोगों ने एनेक्स कर लिया था अब जो एनेक्सेशन था अवध का वो तो ऑलरेडी पहले हो चुका था लॉर्ड डलहाउजी द्वारा ठीक है ऑन दी प्रोटेक्सट ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों ने बोला कि अवध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है ठीक है इसीलिए हम अवध पर अपना राजपाट चलाएंगे हम उसको यहाँ पर चलाएंगे हम उसको यहाँ पर संभालेंगे वैसे भी इनका काम यही था ठीक है चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से समझाया गया देखिए डॉक्टराइन ऑफ लैब्स जो था वो यहाँ पर आपके लॉर्ड डलहाउजी द्वारा लाया गया था इन लेट एटीन अभी इन्वॉल्व कर रहा था ब्रिटिश को प्रोहिबिट करने पर एक हिंदू रूलर को विदाउट अ नेचुरल वारिस आप यहाँ पर अडॉप्टेड बच्चे को नहीं बिठा सकते हो जैसे ही आपके जो राजा हैं राजा की यहाँ पर मृत्यु होती है तो कहते हैं ना कि भाई राजा मर गया तो राजा का जो बेटा है वो ही राजगद्दी पर बैठेगा बट अगर राजा का बेटा असली बेटा है मतलब बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो बच्चा है उनका तो ठीक है वो यहाँ पर राज्यपाठ संभाल सकता है बट अगर ऐसा नहीं है अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उसको यहाँ पर परमिशन नहीं है राजगद्दी पे बैठने की इसीलिए तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आई थी कि भाई यहाँ पर जितने भी ब्राह्मण्स थे वो यहाँ पर इस सारी चीज़ों से एक तरीके से मतलब वो लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कहीं पर भी ये तो गलत है बच्चा तो बच्चा है चाहे मेरा अपना बच्चा हो चाहे मेरा गोद लिया हुआ बच्चा हो बच्चा तो बच्चा है ना पर उनको क्या था उनको यहाँ पर कैसे ना कैसे करके सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेंशन चाहिए था उनके अपनी जो कहते हैं ना अपनी जो नीतियाँ थी उनकी के उनकी एक अलग ही सोच थी कि हमें यहाँ पर एक्सपैंड करना है हम थोड़ी ये सारी चीज़ें सोचेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें जो काम करना है हम वही करेंगे ओके जब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बढ़ने लग जाती है ना जब लोग मनमानी करना शुरू कर जाते हैं तो उसी टाइम पर एक डिसकंटेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आता है ओके चलिए अब सोशियो, सोशल एंड रिलीजियस कॉज देखिए सोशल और रिलीजियस कॉज काफ़ी सारे थे धीरे धीरे करके क्या हो रहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो थी वो भारत के अंदर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे देश में काफ़ी सारी परेशानियाँ भी उग्र हो रही थी अब जैसे कि अगर हम देखें तो आपकी इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो हिंदुस्तान के अंदर आई थी विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आपके जो चार्टर एक्ट था 1813 का इसके साथ हमारे देश में आई वेस्टर्न एजुकेशन ठीक है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में और दो इंडियन सपोर्टर्स थे इस चीज के वो थे हमारे राजा राम मोहन रॉय और दूसरे थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता होगी कि इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला जाता है देखिए फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोला जाता है एक लाख रुपए यहां पर इंग्लिश एजुकेशन के दिए जाते थे पर ईयर खर्चे के लिए ठीक है अब इसी के बेसिस पर आपके बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो यहाँ पर फॉर्म होते हुए नज़र आए और जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे देश में आ रहे थे तो वो यहाँ पर एक एजेंडा लेकर आ रहे थे कि भाई हम यहाँ पर लोगों को करेंगे कन्वर्ट अपने धर्म में और बहुत सारे कन्वर्जन्स हो भी रहे थे ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती यहाँ पर बहुत सारे कन्वर्जन्स हो रहे थे इसके साथ साथ ये लोग लेकर आए रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट Just a second. ये लोग यहाँ पर क्या लेकर आए रिलीजियसिटी एक्ट लेकर आए 1856 में। 1856 में रिलीजियस डिसबिलिटी एक्ट लेकर आए और ये एक्ट आया आपके लॉर्ड कैनिंग द्वारा इनके द्वारा ये जो एक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया अब इस एक्ट के तहत क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि, कि कोई हिंदू व्यक्ति है और उसने अपना धर्म जो है वो परिवर्तित कर लिया है तो यहाँ पर जो उसके परिवारजन है वो कहेंगे कि भाई हम तुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे जो पिता है उस बच्चे के वो ये कहेंगे कि हम तुझे इसमें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे तो अंग्रेज ये पर्टिकुलर एक्ट यहाँ पर इसीलिए लेकर आए कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है कन्वर्ट करता है तो उसका राइट right होगा अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर उसका राइट right होगा ओके okay? इसके बाद 1837 में अगर देखा जाए जो इंग्लिश थी उसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया आपके कोर्ट लैंग्वेज के तौर पर देखिए इस टाइम पर आपका मुगल एम्पायर चल तो रहा था घिसट के ही चल रहा हो पर चल रहा था तो मुगल एम्पायर में आपकी ज़्यादातर फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था फारसी मतलब पर्जियन लैंग्वेज अब परजियन लैंग्वेज को यहां पर बोल दिया गया कि भैया इसको हटाओ यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में ही बातचीत करोगे ओके तो ये चीज़ कब इंप्लीमेंट हुई अठारह में अब देखो ये तो मनमानी है ना हर किसी की अपनी चॉइस है वो किस तरीके से बात करना चाहता है इंसान को अपनी बात ही तो व्यक्त करनी है चलिए तो ये तो वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जो ये अजीब सी चीज़ें लेकर आए थे कुछ अच्छी चीज़ें भी ये हमारे देश में लेकर आए ठीक है जिसके लिए लोग अलग ही तरह का यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे ठीक है क्योंकि हमारे देश में एक सोसाइटी की जो सोच थी वो पेट्रियाकल सोसाइटी की सोच जो थी वो उनके दिमाग में बहुत घुसी हुई थी और वो उसको बदलना नहीं चाह रहे थे कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई नजर आई तो उनको उसी चीज़ से परेशानी होनी शुरू हो गई अब इसके बाद 1844 में नॉलेज ऑफ इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया गया कंपलसरी कर दिया गया फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब आपको यहाँ पर इंग्लिश नॉलेज होनी ही चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आपको भाग आपको पार्टिसिपेट करना है इसके बाद 1829 में जो हमारा कस्टम था सती उसको यहाँ पर अबॉलिश किया गया सती को और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को ठीक है अब यहाँ पर देखिए सती की प्रथा जो थी वो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी मतलब जब किसी का पति यहाँ पर उसके देहांत हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है तो जो वाइफ है जब उसकी जो चिता है वो जल रही होगी ठीक है वो उसी में कूद जाए और अपने पति के साथ ही अपनी भी देह का यानी कि अपना भी त्याग करते अब ये चीज़ जब अंग्रेज आए अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो गलत है जो कि वाकई में गलत था पर हमारे देश में ये प्रथा जो थी वो बहुत टाइम से चलती आ रही थी अब आप किसी भी जगह जाओ और आप ये सोचो कि आप तुरंत ही किसी ना किसी चीज़ को यहाँ पर चेंज करा दो तो जाहिर सी बात है कि लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हर्ट होंगे आप चेंजेस कर सकते हो बट विद अ टाइम और यहाँ पर चेंज करने वाले कौन थे वो थे आपके ब्रिटिशर्स वो वैसे भी अंग्रेज जिनको यहाँ पर कोई पसंद नहीं कर रहा है तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ भाई इसको अबोलिश करा दिया कि भाई इस तरीके के कस्टम्स नहीं होने चाहिए दूसरा लड़के की जो प्रेफरेंस थी वो हमारे देश में एक टाइम बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है ठीक है कि बेटा ही होना चाहिए तो यहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं अगर पता चल गया कि बेटी है तो उसको मार देते थे और मारने के भी बहुत सारे तरीके थे इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे आप लोगों ने सीरियल्स भी देखे होंगे बहुत अवेयरनेस किए कैंप्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत लगती हैं अब जाके बहुत चेंजेस आ गए हैं इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने अबोलिश किया था प्रैक्टिस ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड अब देखिए जब सती को इन्होंने अबोलिश कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जिन जिन महिलाओं के पति की डेथ हुई है तो वो यहाँ पर हो गई विडो और दूसरा ये यह पर लेकर आए विडो रीमैरिज ये हमारे देश के लोगों के लिए और भी ज्यादा घातक हो गया कि भाई पहले तो तुमने सती को यहाँ पे हटवा दिया उसके बाद अब इन महिलाओं की क्योंकि अब देखो जो विडो होती थी ना उनके साथ एक अलग ही तरीके का व्यवहार होता था उनको एक ऐसे मतलब उनको अलग ही एक दंड दिया जाता था जैसे उनकी वजह से यहाँ पर कोई चीज़ हुई है या उनका जीवन ही ऐसे जाना चाहिए अंग्रेजों ने बोला भाई उनके साथ इतना ज़्यादा क्यों इस तरीके का सुलक कर रहे हो उनको यहाँ पर हर एक चीज़ का राइट है उनको दोबारा शादी करने का राइट है उनको यहाँ पर पढ़ने का राइट है तो यहाँ पर इन लोगों ने विडो री मैरिज जो थी वो कर दी स्टार्ट ओके अब ये और यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो गई इसके बाद अबॉलिशन हुआ आपका स्लेवरी का 1843 में स्लेवरी को बिल्कुल बंद कर दिया गया ठीक है एंड प्रोहिबिशन हुआ ह्यूमन सेक्रीफाइस का पहले बलि चढ़ाई जाती थी उसको भी यहाँ पर बंद कराया गया जो ऑर्थोडॉक्सी थी हमारे देश के अंदर उसको यहाँ पर हटाने की पूर्णता से कोशिश करी जा रही थी ठीक है जिसमें से कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पर क्योंकि अपनी एजुकेशन वो यहाँ पर लेके आ रहे थे अपना क्योंकि वो उनकी सरकार यहाँ पर अपनी थी तो इसीलिए वो चाहते थे और दूसरा वो अपने आप को बहुत सिविलाइज और सुपीरियर समझते थे दैट वॉज ऑल्सो वन पॉइंट तो उनको यहाँ पर हमारी जो भाषा थी वो समझ में नहीं आती थी उनका एक ही काम था कि भाई तुम लोग हमारी भाषा में बात करो क्योंकि हम सिविलाइज हैं और हमें ज़्यादा नॉलेज है ऑल राइट एनएक्टमेंट ऑफ एन एक्ट विच इनेबल्ड अ क्रिश्चन बेसिकली यहाँ पर विडो रीमैरिज एक्ट आया था आपका 1856 में विडो मैरिज एक्ट यहाँ पर आया आपका 1856 में ऑल राइट चलिए अब देखिए इकोनॉमिक के बारे में बात करें तो देखिए ये यहां पर एक और बहुत मतलब कहते हैं ना कि बहुत इस कारण के साथ बहुत ज्यादा दुख भी जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां पर न जाने कितने किसानों ने इन लोगों के इन इक, मतलब इनकी जो ये तरीके यहां पर लेकर आते थे ना टैक्स भरवाने के उन तरीकों की वजह से ना जाने कितने किसानों ने अपने आप को मारा है ठीक है अब इकोनॉमिक कॉजेस की तीन सबसे बड़े कारण हैं एक है आपका जमींदारी सिस्टम जमीदारी सिस्टम यहां पर सबसे पहला पॉइंट रहता है ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नरवेल द्वारा रिकमेंड किया गया ठीक है अब इसके रिकमेंडेशन पे क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो जमींदार थे उन एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया गया ठीक है वो यहाँ पर किसानों से टैक्स लेंगे और ये टैक्स इतने ज्यादा थे इतने ज्यादा थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति था जिसे ये टैक्स भरना है वो यहाँ पर नहीं भर पाता था और अगर वो एक बार का टैक्स नहीं भर पाया तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास यहाँ पर यह टैक्स भरने का पैसा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ना किसी से पैसे उधार लेगा और जब वो यहाँ पर लोन लेगा उसके बाद जो दूसरा टैक्स उसको देना है ठीक है कभी फसल अच्छी नहीं हुई कभी बहुत सारे कारण हो सकते थे बहुत सारे इश्यूज हो सकते थे ये सारे कारणों को ब्रिटिशर्स नहीं सुनना चाहते थे उनका एक ही मकसद था कि तुम घास भी उगाओ उस पर भी हम लोग टैक्स लेंगे और ये बहुत सारे ऐसे कारण जो थे वो महात्मा गांधी जी के सामने भी आए थे जैसे कि आपका आप चंपारण था ठीक है चंपारण हुआ आपका खेड़ा हुआ कई सारे ऐसे इश्यूज आगे भी आते रहे ये जो केसेस थे ये बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए काफ़ी संगीन थे क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा टैक्स लोगे लोगों से आप हर एक चीज़ पे ले रहे हो और आप उन्हें मौका भी नहीं दे रहे हो कि वो खुद से पैसे कमा लें उतना भी मौका नहीं दे रहे आप उनको टैक्स जब देना है तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से पैसा देंगे अब जिससे पैसा लिया है वो वापस पैसा मांगने के लिए इंसान को और ज़्यादा परेशान करता है ठीक है अगला टैक्स तुरंत यहाँ पर आ जाता है तो उस टाइम पर लोग क्या करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे किसान थे जो कि यहाँ पर परेशान होते रहे दूसरा सिस्टम ये लेकर आए रैयतवाड़ी रैयत सिस्टम यहाँ पर ये लेकर आए रैयत सिस्टम जो था वो यहाँ पर अठारह आपका 1820 में आपके थॉमस मुनरो द्वारा और चार्ल्स रीड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था अब इसमें क्या आता है कि इसमें आपके एक एक करके जो किसान थे वो टैक्स देने आया करते थे ठीक है इसके बाद था आपका माहलवाड़ी सिस्टम माहलवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करें तो माहलवाड़ी सिस्टम में क्या था कि पूरा जो गांव है वो यहां पर आएगा टैक्स भरने के लिए अब देखिए टैक्स भरना यहां पर सबसे बड़ा कष्ट इसीलिए हो गया था क्योंकि जिस तरीके की इनकी हेवी रेवेन्यू डिमांड्स थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और जो लोग थे वो उनको यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहे थे उनको पूरा करने के लिए उनको यहाँ पर पैसा उधारी पे लेना पड़ता था और उधारी पे पैसा लेने के बाद भी अगर मान लीजिए कि उनकी क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे कुछ लोग थे जिनकी खुद की ज़मीन थी वो उस पर काम कर रहे थे कुछ ऐसे भी थे कि दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे थे अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो कुछ खा लें एक दिन का भी खाना खा लें ठीक है और कुछ के पास तो ये कंडीशन हो जाती थी कि अगर उन्होंने किसी से पैसा लिया है तो उसका जो पैसा चुकाना है वो भी नहीं चुका पाते थे तो वो यहाँ पर कर लेते थे सुसाइड क्योंकि और कोई कारण कोई और रास्ता बचता ही नहीं था ओके सो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमें इंग्लैंड में देखने को मिला दर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो कि इंडिया में भी आपका आया जिसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो यहाँ पर रूम हुई जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी यहाँ पर आपकी बिल्कुल मंदे पे चली गई थी और लोगों को अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनको अपने लिए नौकरी तलाश करनी पड़ रही थी तो जब अंग्रेज़ों ने अपनी यहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करी तो उसमें ये लोग ये जो लोग थे वो यहाँ पर नौकरियाँ करते थे इंडियन हैंडी इंडस्ट्रीज जो थी वो भी यहाँ पर कंपीट नहीं कर पा रही थी विद द चीप मशीन गुड्स जो कि आपके ब्रिटेन से आ रहे थे अब देखिए ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है चेंजेस आए हैं उन लोगों के पास मशीन्स हैं मशीन से बना रहे हैं वो चीज़ें और हमारे देश में क्या था कि हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाई हुई चीज़ों का यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन था अब इन लोगों की वजह से क्या हो रहा था कि जितने भी राज्य वगैरह थे जो राजा वगैरह थे है ना वो भी यहाँ पर एक तरीके से उनको भी यहाँ पर पेंशन वगैरह मिल रही थी उनको वो भी पेंशन पर आ गए थे है ना तो यहाँ पर इन लोगों को क्या देंगे अदरवाइज़ जो राजा वगैरह होते थे वो यहाँ पर काफ़ी सारे मेले वगैरह सब ये सारी चीज़ों का आयोजन होता था जिसकी वजह से ये जो आपके जितने भी आपके ये आर्टिस्ट होते थे इनका जितना भी जित, जो भी सामान ये बनाते थे वो सब यहाँ पर बिक जाता था बट अंग्रेज़ों के आने की आने के बाद बिकॉज़ ऑफ ऑल दोज मशीन गुड्स यहाँ पर इनकी बिक्री जो थी वो बिल्कुल कम हो चुकी थी कम भी क्या बिल्कुल नामात्र हो गई थी क्योंकि इंसान तो वही देखेगा ना अगर उसको उसके पास पैसा कम है तो वो चीप चीज़ों पे यानी कि सस्ती चीज़ों में इन्वेस्ट करने की सोचेगा रैदर देन महंगी चीज़ों पर ओके okay, तो ये कारण रहे थे आपके इकोनॉमिक कॉजेज जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके बाद मिलिट्री कॉजेज देखिए मिलिट्री काजेज सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है जिसकी वजह से आपकी ये जो लड़ाई है जो क्रांति है वो शुरू हुई थी तो अठारह की जो लड़ाई है वो आपकी यहाँ पर शुरू होती है इसी वजह से इसी कारण से सिपोई म्यूटनीस को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उन लोगों ने जो सैनिक थे उनकी हालत कर रखी थी देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सैलरी डिफरेंसेस बहुत देखने को मिलते थे जो आपके ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिलती थी अच्छी खासी और यहाँ पर जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं उनको तो ये अगर ढंग से सैलरी दे दें दे तो बहुत बड़ी बात है उसके बाद मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो थे हिंदुस्तानियों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ सूबेदार की पोस्ट होती थी बाकी सारी पोस्ट किसके लिए जाती थी ब्रिटिशर्स के लिए तो इंडियन सप्पॉइज जो थे दे फॉर्म मोर देन 87 परसेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया बट इनको कंसिडर किया जाता था इंफीरियर इनको इन्फीरियर माना जाता था और सुपीरियर कौन थे इनके लिए ब्रिटिश सोल्जर्स अगर जो आपका हिंदुस्तानी सिपाही है ठीक है उसको हमेशा कम पैसे दिए जाते थे अगर वो सेम रैंक पे भी है अगर वो सूबेदार भी है तो भी उसको जो आपका अंग्रेज है उससे कम ही पैसे दिए जाएंगे दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन द एरियाज जो कि उनके घर से काफ़ी दूर भी थे अच्छा हमारे यहाँ पर एक मान्यता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति साथ समुंदर पार करके या समुंदर पार करके किसी और जगह चला जाता है तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता है बट यहाँ पर आपके लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1856 में लेकर आए जर्नल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जिसके बेसिस पर जो ये सिपाही हैं इनको ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे कहीं पर भी जाके उनके लिए लड़ना होगा जहाँ वो चाहेंगे अब ये यहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके लिए मनमानी थी भाई ये आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो माना कि हम आपके लिए काम करते हैं पर ये तो हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उसके खिलाफ़ है हम ऐसा तो नहीं कर सकते पहले लोग जब टीका वगैरह लगा के आते थे उनको भी यहाँ पर मना कर दिया जाता था कि तिलक लगा के नहीं आओगे दिस इज़ नॉट अलाउड और जो मुस्लिम्स थे उनकी जो बियर्ड होती थी उनको भी यहाँ पर हटवा दिया जाता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था और अगर देखा जाए तो जिस तरीके का सुलूक ये हमारे सैनिकों के साथ कर रहे थे वही यहाँ पर सबसे बड़ा कारण बना इस लड़ाई का ओके okay? देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में तो यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हो तो चार्ल्स जॉन कैनिंग जो थे ही वॉज दी स्टेट्समैन एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 फिफ्टी तो अट्ठारह में ये थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये सबसे पहले वाइस डॉय बने थे इंडिया के अठारह में और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे इनके टेन्योर में सबसे पहले तो ये क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी उसके बाद ही ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास किया गया था जिसमें पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि आपके अलग 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 मेंबर्स बना दिए जाएंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालेंगे विड्रॉल हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स का विच वॉज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस म्यूटनी ऑफ एटीन इंट्रोडक्शन हुआ था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इनैक्टमेंट हुआ आपके इंडियन हाई कोर्ट एक्ट का और इंडियन पेनल कोड 1858 में इंट्रोड्यूस किया गया ओके okay? चलिए इसके बाद इमीडिएट कॉजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है दैट इवेंचुअली आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्टेज अब ये था इमीडिएट कॉज इमीडिएट कॉज में आपकी देखिए एक एनफील्ड राइफल थी यहां से मैं आप लोगों को इस इमेज से समझाती हूं देखिए यहां पर यह था सबसे बड़ा कारण आप यहां पर एक राइफल देख रहे हो एनफील्ड पैटर्न की एटीन फिफ्टी थ्री की राइफल मस्केट अब क्या था कि इसका जो कार्टेज है यहाँ पर आप लोग इसका कार्टेज देख सकते हो ये कार्टेज आप देख सकते हो यहाँ पर तो इसके कार्टेज के नीचे ये जो ग्रीस आपको देखने को मिल रही है ये जो ग्रीस थी ये यह यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा था ऐसी अफवाह थी कि ये जो ग्रीस है वो यहाँ पर बनी है आपके पिग और गाव के फ्लैश से ठीक है उनके यहाँ पर फैट से ये यहाँ पर बनी है अब हमारे देश में जो पिग है ठीक है वो एक तरीके से अगर देखा जाए इट्स इट्स अ टैबो फॉर योर मुस्लिम्स एंड वहीं पर जो गाय है वो जो हिंदू हैं उनके लिए सेक्रेड मतलब हम गाय को अपनी माँ देवी मतलब एक तरीके से माता की तरह पूजते हैं वहीं पर जो पिग है वो यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए इट्स अ टैब सो दे कान डू दिस अब इनको क्या करना था कि ये जो कार्टेज थे राइफल के जितने भी सिपाही थे उनको यहाँ पर इसको बाइट ऑफ करना था क्योंकि उसके अंदर गन पाउडर था अब ये गन पाउडर ही तो यहाँ पर भरा जाएगा तो इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम ऐसा करेंगे अगर हम मुंह में उसको लेंगे भी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा हमने तो कभी भी नॉनवेज का सेवन ही नहीं किया है और अगर अगर किया भी है ठीक है जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें ठीक है तो दे वोंट दे वर नॉट अग्रीड विद दिस थिंग कि हम यहाँ पर जो पिग है उसका फैट मतलब कंसिडर करेंगे इस तरीके से हटाने को भी सो बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉयज रिफ्यूज टू यूज दैम और लॉर्ड कैनिंग जो थे ही ट्राइड टू मेक अ फॉर द एरर एंड ओफेंडिंग कार्टेज वर ड्रॉन बट द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन क्योंकि यहाँ पर क्या था कि उन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने बहुत ट्राई किया कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करें बट यहाँ पर लोग परेशान तो हो ही गए थे कि भाई आप यहाँ पर हमारे सेंटिमेंट्स को इतना हर्ट करने के लिए इतनी हमारी जो जो हमारे रिलीजियस बिलीफ हैं आप उसको बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो तो अठारह में मार्च में मंगल पांडे मंगल पांडे का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा तो ये सिपाही थे बरकपुर के इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस कार्टेज का इस्तेमाल करूँगा ही नहीं और उन्होंने अपने सीनियर्स को अटैक करना शुरू कर दिया एक तो अपने सीनियर को उन्होंने यहाँ पर शूट भी कर दिया था अब इनको यहाँ पर इनका जो एग्जीक्यूशन था वो हमें एट ऑफ अप्रैल 1857 को देखने को मिला नाइन्थ मे को क्या हुआ क्योंकि आप देखिए मंगल पांडे के साथ इस प्रकार की चीज़ हुई तो उससे क्या हुआ कि बाकी के जो सैनिक थे वो यहाँ पर भड़क गए तो करीब आपके पिछयासी एट्टी फाइव सोल्जर्स जो थे मेरठ के उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम इस नई राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया और करीब दस साल की दी सजा अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये लोग सब जितने भी ये सिपाही वगैरह थे ये सब भाग गए यहाँ से ठीक है एंड यहाँ से आपकी जो रिवोल्ट था वो हुआ स्टार्ट अब जो सेंटर्स थे आपके रिवोल्ट के ये यहाँ पर दे वर बीन स्प्रेड ओवर द इंटायर एरिया फ्रॉम दी नेबरहुड ऑफ पटना टू द बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान जो मेन सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के वो थे आपके कानपुर लखनऊ बरेली झांसी ग्वालियर आरा जो कि आपके बिहार में अब अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ यहाँ पर कैपिटल थी आपकी अवध की और लखनऊ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम हज़रत महल ये आपकी बेगम थी जो एक्स किंग थे अवध के ठीक है जो पहले राजा थे अवध के उनकी वाइफ थी जो कि यहाँ पर लीडरशिप ले रही थी इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में उसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो लड़ाई थी वो नाना साहेब द्वारा यहाँ पर लीड करी जा रही थी जो कि यहाँ पर अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव दो के Now इन्होंने ज्वाइन किया इस रिवोल्ट को और यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए इनकी जो लड़ाई की कॉज थी देखो मैंने आपको बताया था कि किसी के भी मन में नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी सब अपने अपने हित के लिए यहां पर लड़ रहे थे उन्हीं में से एक थे आपके नाना साहेब माना कि इन लोगों ने लड़ाई बहुत अच्छी यहां पर स्टार्ट करी ठीक है बट सबके अपने अपने हित थे जैसे कि यहां पर नाना साहेब ने क्यों लड़ाई करी क्योंकि एक तो वो अडोप्टेड सन थे ठीक है गोद लिए हुए बच्चे हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स यहाँ पर इनको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि इनको राजा ही नहीं माना जाएगा तो वो डिप्राइव थे पेंशन से इस वजह से उन वो यहाँ पर लड़ रहे थे द विक्ट्री वॉर शॉर्ट लिव्ड कानपुर को रिकैप्चर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा आफ्टर दी फ्रेश री एनफोर्समेंट अराइव एंड रिवॉल्ट जो था उसको सप्रेस कर दिया गया वो भी बहुत टेरेबल तरीके से नाना साहेब यहाँ से भाग गए थे ठीक है, बट उनके जो ब्रिलियंट कमांडर थे तात्या टोपे उन्होंने यहाँ पर जो स्ट्रगल था उसको कंटिन्यू किया तात्या टोपे भी यहाँ पर फाइनली हार गए थे उनको भी अरेस्ट कर दिया था और उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया था फिर बात करेंगे हम झांसी की अब 21, आपकी 22, 22 वर्ष की रानी लक्ष्मी भाई जो थी वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए लड़ रही थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ अडॉप्टेड सन टू द थ्रोन ऑफ झांसी उनके जो अडॉप्टेड बेटा था उसको झांसी की राजगद्दी पर बैठाने से बिल्कुल मना कर दिया था तो वो यहाँ पर अपने बेटे के लिए लड़ रही थी और लड़ उन्होंने लड़ाई काफ़ी अच्छी लड़ी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बट अल्टीमेटली इनकी भी यहाँ पर हार हो जाती है ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई के बाद रानी आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई बाई एक्सकेप्ड उन्होंने यहाँ पर तात्या टोपे को तात्या टोपे के साथ वो यहाँ पर मिल गई अब इन दोनों ने ही ग्वालियर की तरफ मार्च किया एंड दे कैप्चर्ड अब यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई चली फॉलोड वे द रानी ऑफ झांसी फोर्ट लाइक टिग्रिस बट डाइड फाइटिंग टू द वेरिएंट ग्वालियर जो था वो भी यहाँ पर रिकैप्चर्ड होता गया आपके ब्रिटिशर्स द्वारा फिर बिहार की बात करें जो रिवॉल्ट था वो यहाँ पर कुंवर सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था जो कि बिलोंग करते थे फ्रॉम दी हाउस ऑफ जगदीशपुर बिहार ओके okay. अब यहाँ पे देखिए सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट हमें देखने को मिला जो आपका रिवॉल्ट था अठारह का वो एक साल से ज़्यादा यहाँ पर चला ठीक है बट उसको जल्दी ही यहाँ पर अंग्रेजों ने सप्रेस कर लिया गया था मिडिल ऑफ 1858 में 8 जुलाई अठारह में 14 मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मेरठ पीस वॉज फाइनली प्रोक्लेम्ड बाई लॉर्ड कैनिंग शुरुआत बहुत अच्छी थी पर यहाँ पर अंत हो गया क्योंकि बहुत सारे इसके भी कारण हैं सबसे पहला कारण यही है कि कोई प्लानिंग नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था अब देखिए प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट देखेंगे हम इंडियन लीडर्स देखेंगे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स देखेंगे जिन्होंने यहाँ पर इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में मदद करी देखिए सबसे पहले दिल्ली में बहादुर शाह दो अब देखिए यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी चीज तो यही थी सबसे बड़ी गलती क्या थी इन्होंने अपना जो लीडर था उसको चुना वो थे आपके बहादुर शाह मुगल एम, एम्पायर के आखिरी बचे हुए जो राजा थे ठीक है उनको यहाँ पर अपना राजा मान लिया ठीक है और उन्होंने यहाँ पर जितने भी बाकी के ये किंग और क्वीन और जितने भी लीडर्स हैं इनको यहाँ पर पत्र लिखे कि भाई हम सबको एक साथ यहाँ पर सहयोग करना चाहिए ठीक है तो बहादुर शाह यहाँ पर आपके दिल्ली से जो थे वो आपके हमारे लीडर थे ठीक है अब जॉन निकोलसन द्वारा सप्रेस कर दिया गया आपका दिल्ली में पूरी तरीके से कैप्चर किया उन्होंने जॉन निकोलसन ने फिर लखनऊ की बात करें बेगम हसरत महल हेनरी लॉरेंस द्वारा यहाँ पर आपका सप्रेस किया गया कानपुर नाना साहिब सकोलन कैम्बल द्वारा यहाँ पर सप्रेस किया गया झांसी और ग्वालियर की बात करें तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जर्नल हुक रोज ने यहाँ पर पूरे ही उसको री कर लिया बरेली की बात करें खान बहादुर खान सकोलन कैम्बल ने इसको भी रिकैप्चर किया अलाहाबाद और बनारस मौलवी लियाकत अली कर्नल ऑनसेल बिहार कुंवर सिंह और सप्रेस करने वाले थे विलियम टेलर तो इस तरीके लिए इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशल्स थे जिन्होंने सप्रेस किया पूरे के पूरे रिवोल्ट को और जो इंडियन लीडर्स हैं जो कि यहाँ पर आपके लीडियस लीडर्स बने रहे और जिन्होंने अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर लड़ाई भी करी बट क्योंकि कोई प्लान नहीं था इस वजह से यहाँ पर आपकी जो लड़ाई थी वो एक एंड पर आ गई और जिसमें हार हुई हमारी वैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक कंप्लीट हार भी नहीं मान सकते हम कहीं हाँ तक हम जीते भी अब रिवोल्ट फेल क्यों हुआ देखिए सबसे पहली चीज़ क्या थी कि लिमिटेड अपराइजिंग थी मतलब कम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया एक अच्छा खासा पार्ट जो था हमारे देश का वो यहाँ पर आया ही नहीं उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि जो अंग्रेज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कोई ज़रूरत ही नहीं है ठीक है जी उसके बाद अगर देखा जाए जो रिवोल्ट था दैट वाज मेनली कन्फाइंड टू दुआब रीजन एक पर्टिकुलर रीजन में ही स्थित था इससे आगे ये बड़ा नहीं और जो आपके जो प्रिंसली स्टेट्स थी बड़ी बड़ी हैदराबाद है मैसूर है त्रावनकोर है कश्मीर है ठीक है इन लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया इवन राजपूतानस ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया उनको मतलब ही नहीं था और जो सर्दर्न प्रोविंस था उन्होंने भी यहाँ पर कोई भी इच्छा नहीं जाहिर करी कि हमें इस लड़ाई को यहाँ पर लड़ना चाहिए क्योंकि सब यहाँ पर जितने भी जो लड़ने के लिए आगे बढ़े थे वो अपने हित के लिए लड़ रहे थे बाकी ऐसे लोग थे जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अंग्रेज यहाँ पर हमारी वो देश को चला रहे हैं बस चलाने दो उनको हमें अपने राज्य पाठ से मतलब है क्योंकि अगर हम लड़ने आएंगे तो कहीं वो हमारा राज्य भी यहाँ से ना ले लें ले। इसके बाद नो इफेक्टिव लीडरशिप जैसे मैंने आपको बताया कोई लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर थी ही नहीं सब अपने हित के लिए लड़ रहे थे मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो क्वालिटी नहीं थी नेशनलिज्म वाली भावना किसी की नहीं थी सब ब्रेव लीडर्स थे बट दे कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज थी हमारे पास रिसोर्सेज भी उतनी नहीं थी जो रिबेल्स थे वो यहाँ पर उनके पास पैसा और लोग भी कम थे और वहीं पर अगर हम अंग्रेज़ों की बात करें तो उनके पास यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत बढ़िया थी नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास जो इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास थे जो रिच मर्चेंट्स थे ट्रेडर्स थे जमींदार थे बंगाल के दे हेल्प द ब्रिटिश जिससे कि ये जो रिवॉल्ट है जो क्रांति है वो यहाँ पर सप्रेस कर दी जाए अब आप सोचिए इन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया बट इन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिशर्स की तरफ से कि भाई अब देखो ना आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पर इच्छा जाहिर ही नहीं कर रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने का कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को सही मान रहे हैं उनको लगता है यही सही है वो अगेंस्ट जा रहे हैं अपने ही देश के लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर कोई भावना ही नहीं थी देश जैसी वो तो जाके वो आगे जाके यहाँ पर आपकी उजागर हुई है अभी तो यहाँ पर कुछ यह ऐसी भावना नहीं दिख रही है अब देखिए रिजल्ट क्या रहे थे इस पर्टिकुलर रिवॉल्ट के देखिए इस क्रांति से बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए सबसे पहला था कि आपका जो कंपनी रूल था ना वो यहाँ पर एंड पर आ गया था अब कंपनी यहाँ पर राज्य नहीं करेगी अब यहाँ पर सीधे क्राउन की चलेगी ठीक है राजा की चलेगी यहाँ पर कंपनी की नहीं तो ये जो ग्रेट अपराइजिंग थी अठारह की इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क हिस्ट्री रही थी हमारे मॉडर्न इंडिया में और ये जो रिवॉल्ट है ये मार्क करता है दी एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया डायरेक्ट रूल यानी कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा अब राज्यपाठ रहेगा इंडिया अब आ चुका था डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत और ये अनाउंस किया गया था दिस अनाउंस बाय लॉर्ड कैनिंग एट दरबार इन अलाहाबाद इन अ प्रोक्लेमेशन जो कि इशू किया गया था एक नवंबर अठारह में इन द नेम ऑफ द क्वीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बीन टेक ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया ठीक है यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा और जो इंडियन ऑफिस था इसको क्रिएट किया गया जिससे कि हैंडल कर सके गवर्नेंस को और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्री के ठीक है चलिए अब रही बात रिलीजियस टॉलरेंस की तो यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ का प्रॉमिस किया कि हम आपके कस्टम्स ट्रेडिशंस में बिल्कुल भी अपनी डांग नहीं अड़ाएंगे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर कर चुके थे ठीक है वो बहुत ही बेकार थी है ना और उसकी वजह से पूरी क्रांति हुई थी और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये लोग हमारे अगेंस्ट आएँ क्योंकि डर तो आखिरकार ये भी गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की बात करें जो गवर्नर जनरल के ऑफिस था उसको रिप्लेस कर दिया गया वाइस ड्रोवे द्वारा और जो राइट्स थे इंडियन रूलर्स के उनको अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को बॉलिश किया गया राइट टू अडॉप्ट सन्स यहाँ पर उनको लीगल तरीके से उनको यहाँ पर वारिस माना गया मिलिट्री रिओर्गनाइजेशन हुआ जो रेशियो था ब्रिटिश ऑफिसर्स का टू इंडियन सोल्जर्स उनको इंक्रीज किया गया ठीक है अब यहाँ पर दोनों को ही बराबर तरीके का दर्जा दिया जाएगा जो ये डिस्क्रिमिनेशन करते थे वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया तो काफ़ी सारे चेंजेस भी आए इसकी वजह से ठीक है ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ अगर कुछ तो हुआ होगा तभी तो यहाँ पर इतनी बड़ी इसकी वो बनी है कि नहीं चलिए अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं जो आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 पर लिखी गई हैं सबसे पहली है द इंडियन वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर रेबिलियन 1857 अ सिंपोसियम बाय पून चांद जोशी द इंडियन म्यूटनी ऑफ़ 1857 जो कि यहाँ पर जॉर्ज ब्रूस मैलिसन द्वारा लिखी गई है ग्रेट म्यूटनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल्स ऑफ 1857 ये यहाँ पर इकबाल हुसैन द्वारा लिखी गई है और एक्सकवेशन ऑफ ट्रुथ अनसंग हीरोज ऑफ एटीन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान ठीक है तो यहाँ पर ये किताबें हैं जो कि आपके रिवोल्ट ऑफ 1857 पर लिखी गई ठीक है काफ़ी अगर देखा जाए अगर इसमें थोड़ी सी भी समझदारी से काम लेते और एक लार्ज पार्ट ऑफ हमारी कंट्री का इसमें पार्टिसिपेट करता तो ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता था बट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाकी सारे लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट करने से तो इसी वजह से यहाँ पर ये एक एंड पर आता हुआ नज़र आया वो भी बहुत बुरे एंड पे ओके चलिए तो अब अब आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो रिवॉल्ट है 1857 का वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट रहते हैं आप लोगों के आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो ठीक है वट एवर डाउट्स यू हैव ऑल राइट बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगले टॉपिक को करेंगे कवर अब एटीन का रिवोल्ट जो है हम कवर कर चुके हैं इसके आगे की जो कहानी है उसको करेंगे हम कवर ठीक है हमने ये भी देख लिया कि इस रिवॉल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए है ना ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं अब इसके आगे की कहानी को करेंगे हम कवर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ़ यू वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना ओके okay? चलो बाय ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड बाय एवरी